जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने में जुट गई है राज्य की सभी प्रमुख पार्टियां। इसी दौरान बैरकपुर के विशिष्ट समाजसेवी तथा भाजपा नेता संजय यादव से हमारी खास बातचीत। संजय यादव वही शख्स है जो विश्व की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के वजह से, जब देश भर में एक साथ लॉकडाउन चल रहा था, उसी दौरान विभिन्न तरीके से विभिन्न स्तर के लोगों के लिए लगातार जारी रखी थी अपनी सेवाएं। समाज के हर तबके के लोगों के लिए हर संभव मदद करने की पुरजोर कोशिश किए थे। कभी बाधा तो कभी हमले का शिकार भी होना पड़ा था संजय यादव को। लेकिन भाजपा का आदर्श, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद व अपने चहेते सांसद अर्जुन सिंह के मार्गदर्शन पर आगे बढ़ते रहे। देखिए आज क्या कहते हैं हमारे कैमरे के सामने बैरकपुर के भूमि पुत्र संजय यादव। घर फ्लैट बाड़ीते आज पर्यंत 24 परगना থেকে নদিয়া বাংলার গর্ব পিএম এন্টারপ্রাইজ যোগাযোগ করুন আজই। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बैरकपुर के भूमि पुत्र तथा यहाँ के स्थानीय नेता, इसके साथ साथ बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह के काफी करीबी माने जाने वाले संजय यादव। वर्तमान बंगाल की राजनीति और यहाँ के स्थानीय व्यवस्था पे क्या बोलना चाहते हैं संजय यादव? नमस्कार। एवं 24 घंटा लाइव को सेवा देने के लिए पूरा बंगाल में एवं बैरकपुर के लिए नमस्कार। सर क्या बोलेंगे वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थिति है, आप लोग विपरीत राजनीति कर रहे हैं बंगाल में? पहला बात है कि हम लोग जो बंगाल में बीजेपी करते हैं, बीजेपी करना एक बहुत गलत बात हो गया है। अभी बैरकपुर का सांसद जी अर्जुन सिंह जी है, हम लोग लड़ाई दिए हैं, पब्लिक के पास में गए हैं, टूर टू टूर हम लोग कैंपिंग किए हैं। आज बंगाल में आज 18 को एमपी हम लोग आए, तो बैरकपुर का सांसद है, हमेशा काम करने वाले हैं और एक अच्छा एमपी है। जो आदमी जितने भी रात को कभी भी फ़ोन करे तो उनको पाता है। यहाँ का बीजेपी का सांसद को जितने में 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में आप देख लीजिए हमारे ऊपर में कितने अटैक हो रहा है, हमला हो रहा है। गर्मी लेके कहीं भी समाज का सेवा करने के लिए कहीं भी गए, वहाँ पर विरोध किया जा रहा है। किस तरह का बंगाल में राजनीति चल रहा है सो यहाँ का साधारण पब्लिक ही जानते हैं, वो बंगाल के पब्लिक जानते हैं। तो इन परिस्थितियों का सामना आप लोग कैसे करेंगे? हम लोग का बैरकपुर का एवं बंगाल का साधारण पब्लिक हम लोग का बीजेपी का फुल सपोर्ट कर रहा है। हम लोग का काम का चलते एवं हम लोग का जो देश का प्रधानमंत्री जी है उनके काम के चलते। अब पर्सनली में हम अपने बारे में बता रहे हैं, हम एक बिजनेस करते हुए राजनीतिक में आए हैं। हम पहले भी समाज का काम करते थे, अभी भी समाज का काम करते हैं, तो हम तो किसी कोई पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। एक टीएमसी का विचारधारा अलग है, ये बीजेपी का विचारधारा अलग है, तो उसको हमको अच्छा लगा, हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए यदि हमको मार खाना पड़ेगा, तो मेरे नाम का कोई केस नहीं था, अभी बीजेपी में आने में 18 केस हो गया हमारे नाम पे। देखिए अभी कुछ दिन पहले आप पे हमला हुआ था, आरोप लगा रहे थे उत्तम दास के लोगों ने आप पे हमला कराया है, लेकिन उत्तम दास का फिर रिएक्शन आया है कि संजय तो हमारे छिले, इस पर क्या बोलेंगे सर? देखिए हम तो कोई क्राइम करने वाला लड़का है नहीं, हम कहीं गलत काम करने वाला है नहीं। वो क्या यहाँ का बैरकपुर का जो साधारण पब्लिक है, जनता है, वो तो हमको हमारे बारे में जानते हैं, तो वो तो गलत बोल नहीं सकते हैं। वो हमको बोल रहे कि वो हमारा ये आदमी है, ये चाय पास में आके चाय, तो चाय तो बहुत पहले वो पीते थे। यहाँ का जो चेयरमैन जी है, आप देख लीजिए कि चेयरमैन के पास में क्रिमिनल लड़का ही लोग रहता है, साधारण पब्लिक नहीं है। टीएमसी के अच्छा कर्मी वहाँ पर नहीं जाते हैं, ये चीज वो हमारे ऊपर में अटैक कर रहे हैं। हम चारों तरफ घूर के यहाँ पर बैरकपुर में हम काम कर रहे हैं, लॉकडाउन में जिस तरह का हम सारा सेवा दिया, पब्लिक के पास में खड़ा हुआ, हम किचन सेंटर चारों तरफ में चलाया सांसद, हमारे सांसद के द्वारा वो एक टारगेट हुआ। चेयरमैन साहब को हम छोटा नहीं कर रहे हैं, किंतु आप एक बात समझ लीजिए कि एक आप उनका नीचे जमीन स्तर से जुड़िए, आप उनका पहले क्या परिस्थिति था और अभी परिस्थिति क्या है,
भाजपा जो हमारे मुख्यमंत्री है वो भी एक बैरकपुर के चेयरमैन के बारे में ख्याल रखे कि वो अभी कितने पैसे का मालिक है यहाँ पर बैरकपुर में, उनका रास्ता में हाईवे में बाढ़ चलता है बैरकपुर में, और जितने भी प्रमोटर है उनसे पागल हो गया है, उनको हर यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में उनका एक फ्लैट ही हो या एक दुकान हो उनका है, उनका लोकल हम लोग है, हम लोग को पता है ये चीज को, वो चेयरमैन सिर्फ यहाँ लूट मार का चल रहा है एकदम, ये चीज उनका कर्मसूची है, ये चल ही रहा है, इन लोगों को देखने नहीं सकते हैं वो यहाँ का पब्लिक, यहाँ पर त्राही त्राही मच गया है, रात को शाम को माँ बहन यहाँ पर रास्ता में निकलने में मुश्किल हो गया है, कहीं भी लोग जाने से ही बीजेपी के कर्मी को मारते हैं बिना कारण, कोई कुछ कारण नहीं है। आप कल ही देखिए ना 15 अगस्त जब स्वाधीनता दिवस है आपका, आरामबाग में एजेंसी का गुंडा भाई लोग एक फ्लैग उठाने के कारण से बीजेपी के कर्मी को हत्या कर दिया। आप आरोप लगा रहे हैं कि केवल कांग्रेस के पास लोग नहीं जाएंगे, लोग जाएंगे तो उन्हें नकार देंगे, लेकिन देखा कि आज ही क्या गढ़ में ही करीब 400-500 लोग जो है बीजेपी छोड़कर तृणमूल में योगदान किए हैं। देखिए सर मैं एक बात बता रहा हूँ, जो अभी चिटागढ़ में बीजेपी से तृणमूल में गया है, थोड़ी देर पहले मैं एक लाइव देख रहा था, उस लाइव में हम देखे कि टीएमसी के नेता भाषण दे रहे थे, बीजेपी के गुंडा लोग टीएमसी को धमका रहे हैं, वही गुंडा लोग को टीएमसी में ज्वाइन कर ले तो बीजेपी के लिए अच्छा होगा ना, एक गुंडा आया हुआ है, एक गुंडा चला गया तृणमूल में, तो हम लोग बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो ये देश के सेवा करने के लिए एवं सामाजिक काम करने के लिए, गुंडा लोग को पास में बीजेपी का कोई जगह नहीं है, इतने तो आपको भरोसा देके बोल सकते हैं। लेकिन अर्जुन सिंह गुंडा है, अर्जुन सिंह के बारे में लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं विपक्षी, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए सर आप जो हमारे जो सांसद को बोलते हैं, भाटपाड़ा से 4 बार रिकॉर्ड विधायक से जीते हुए हैं, यही दिल्ली के पास में वो विरोधी में बैठने का जगह नहीं था, यही विधायक जीतकर उनको विरोधी में जगह दिया बैठने के लिए, आज उनको बोल रहे हैं गुंडा, क्यों कि आज उनका नीति आदर्श उनका अच्छा नहीं लग रहा है, वो आ जाते हैं बीजेपी में, तो बीजेपी में तो जो भी आते हैं सामाजिक तौर पर काम करने के लिए आते हैं, जो भी तो वे टीएमसी से आते हैं बीजेपी में तो उसको तो गुंडा ही बोला जाता है, उसको क्रिमिनल बोला जाता है, गुंडा मस्तान का इसमें बीजेपी में कोई जगह नहीं है। हमारा जो संसद है ये बंगाल ये भारत वर्ष देख रहा है कि एक अर्जुन सिंह की क्या छाप है, तो जो बीजपुर का जो टीएमसी का नेता अभी जो हम नाम सुनते हैं सुबोध अधिकारी जी, वो तो पहले बीजेपी में ही थे ना, कुछ दिन के लिए बीजेपी में जो आए हुए थे तो वो तो बीजेपी में तो पहले सुनते थे कि उन पर केस चल रहा है, केस हो रहा है, आज क्या टीएमसी में आ गए तो क्या गंगा का पानी से धुआ गए क्या, वो दूध का धुआ हो गया, आज तो उनके ऊपर कोई केस नहीं हो रहा है, आज वो उनके पास में दो गाड़ी पुलिस का सिक्योरिटी जाता है, उनके पीछे साइरन वाला गाड़ी जाता है, तो एक ये तो टीएमसी का यहाँ पर बंगाल में गुंडा और क्रिमिनल लोगों से सिक्योरिटी मिल जा रहा है, उसको वो भद्र बन जा रहा है, और जो साधारण पब्लिक हो रहा है वो गुंडा बन जा रहा है, बीजेपी के कर्मी और गुंडा बन जा रहा है, सांसद गुंडा हो जा रहे हैं, और जो टीएमसी का गुंडा है वो अच्छा आदमी बन जा रहा है। जो यहाँ का पहले का जो सांसद थे दिनेश त्रिवेदी जी, ये बोला कि रेल ICU में चला गया है, तो यही दीदी उस टाइम में उनका किस तरह का डिमोशन करवाया, कल ही आप धर लीजिए कि टीएमसी से धरिए कि बीजेपी में आ गए, वो उनका गुंडा का नाम लिखा जाएगा, और यही यदि बीजेपी में से आपको यदि तृणमूल ज्वाइन कर ले तो गंगा का धुआं हो जाएगा, ये बंगाल में ही चल रहा है, ये हम लोग बंगाल में हम लोग का यहाँ का जन्म स्थान है, जब बंगाल में हम लोग का रहने वाले हैं, किंतु हम लोग अदर्स स्टेट में जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हम लोग को यहाँ का जो मुख्यमंत्री के बारे में हजारों बात सुनने के लिए मिलता है, तो हम लोग को महसूस होता है कि भाई हम लोग कौन से दुनिया में जी रहे हैं, जो भी हो हमारे मुख्यमंत्री है उनको हमको रिस्पेक्ट करना है, किंतु वो कि अपना आदमी का जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तो किस तरह का बात सुनने में आता है, कि जिस तरह का बंगाल में टीएमसी का दुर्नीति राजनीति जो चल रहा है, डेली एक एक बीजेपी कर्मी को मारा जा रहा है, बहन को फांसी लगाया जा रहा है, माँ को मार के फेंक दिया जा रहा है, बगल में शामनगर जगह है, वो शामनगर में एक प्रदीप भट्टाचार्य बोल के डॉक्टर बाबू है जो पूरा लॉकडाउन में का जनता को सेवा किए, जो
ये तो कोई टीएमसी का नेता सामने नहीं आया, दिखाई नहीं दिया। उनको पॉजिटिव कोरोना का हो गया, होने के बाद में वो उनको हॉस्पिटल में मेडिकल उधर उनको भर्ती किया गया। 18 लाख का ऊपर में उनका बिल हुआ। हम सुने कि 75,000 उनको डिस्काउंट किया गया, 75,000 डिस्काउंट किया गया। क्या वो गुजर गए 18 लाख? उनका छोटा एक लड़का, उनकी वाइफ पैसा के लिए मर रहे थे, उनको वो बंगाल का सरकार उनको सुनने दे दिया। सेवा करेंगे डॉक्टर, पुलिस, इन लोगों को क्या रिस्पेक्ट मिलता है? कुछ नहीं बंगाल में रिस्पेक्ट मिलने वाला है। बैरकपुर का जनरल सेक्रेटरी का सबसे हम दायित्व तो लेकर बता रहे हैं, बंगाल में सरकार बीजेपी का आने दीजिए, टीचर हो, डॉक्टर हो, पुलिस प्रशासन हो, उनको रिस्पेक्ट मिलेगा, आजाद से काम करने का उनको मौका मिलेगा। उनको तो अभी हमको घिन आता है जो टीएमसी का इस तरह का दुर्नीति राजनीति। आप राजनीति कीजिए ना, कोई टीएमसी करेगा, कोई सीपीएम करेगा, कोई कांग्रेस करेगा, करिए राजनीति। किंतु जिसको राजनीति करना है, मानसिक जिसका दिमाग है, विवेक उसका, वो तो सामने लाइए। हर चीज पैसा नहीं होता है। आप दीदी को, हम बोलते हैं दीदी को, दीदी के लिए फायदा के लिए बोल रहे हैं। 2400 वार्ड में जो काउंसिलर है आपका और यहाँ का जो चेयरमैन है, ये वो कोई अच्छा काम के लिए बता दीजिए। ये हम तो आपको चैलेंज दे के बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए ना, डोर वाइज जाइए, दिखाइए पब्लिक के पास में कि हम काम करते हैं। आज आप लोग का मारने के बावजूद भी आप लोग हम पर अटैक कर रहे हैं, मार रहे हैं, फिर भी हम लोग जा रहे हैं साधारण पब्लिक के पास में। आप लोग तो चाहे दिखाइए, आप काम करिए, सामाजिक काम करिए, आप साधारण पब्लिक का काम करिए ना, इससे साधारण पब्लिक आपके पास में खड़ा होगा। पुलिस के सामने पिस्तौल निकाल के सामने हम लोग को दिखाया जा रहा है, उल्टा हम ही लोग केस दिए दिया जा रहा है, किस तरह का वही राजनीति है? आपके यहाँ के स्थानीय जो काउंसिलर है सुप्रभात घोष, की बात करते हैं, काफी डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्या दावा कर रहे हैं आप? यहाँ का जो सुप्रभात जो घोष है, यहाँ का काउंसिलर है, आप इलाका का आदमी से पूछ के आइए, अब इलाका का यहाँ का जो आदमी से पूछिए उनके बारे में। उनका हमको नाम लेने से ही हमको शर्मिंदा महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता है। आप लोग आरोप लगाते हैं तृणमूल कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन ये गुटबाजी तो भाजपा, आप लोग आपके दल में तो काफी गुटबाजियां हैं, आप लोग अभी सत्ता भी नहीं आए हैं लेकिन गुटबाजी चालू है, क्या बोल? देखिए दल बड़ा होने से बड़ा नाराजगी होता है, आदमी ज़्यादा होने से नाराजगी तो होता है, किंतु गुटबाजी बोल के ऐसा तो देखने में नहीं आता है। गुटबाजी असत्य है कि अभी जिला में हम लोग का कमेटी अभी नहीं हुआ है, सामान्य हर जगह बैरकपुर में मंडल में आपका कमेटी हुआ है, जिला में कमेटी होने से उसके बाद में राज्य से बहुत आदमी को मिल जाएगा, वो सब ठीक हो जाएगा, किंतु ऐसा हमको सुनने में नहीं आता है। चल देखिए, आदमी एक जगह जब रहेगा तो बर्तन में आवाज़ तो आना ही है, तो पहले से ज़्यादा आदमी हम लोग के पास में बढ़े हैं, साधारण कर्मी भी नहीं, तो पहले तो कर्मी नहीं था, अभी तो आज बैरकपुर में जितने हमारे पास में बीजेपी का कर्मी है, उतना तो हमको लग रहा है कि टीएमसी का कोई साधारण कर्मी भी नहीं है। जितने टीएमसी के कर्मी थे तो घर में बैठे, हम लोग को तो बीजेपी के कर्मी निकल कर काम कर रहे हैं। अब लॉकडाउन में देखे, हम लोग का कंपटीशन लग गया था कि बैरकपुर में कौन ज़्यादा पब्लिक को खिला पाएगा, पब्लिक को कौन ज़्यादा सेवा दे पाएगा। यानी कि आप लोग का जो गुटबाजी था या जो रस्सा कशी है, यह है जन सेवा के लिए। एकदम कि अभी विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, कितना आशावादी है कि भाजपा ये जो सीट होगा बैरकपुर का, आपने जीत के प्रति, भाजपा का जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? एकदम 100% हम बता रहे हैं आपको कि बैरकपुर का जो भी विधायक होंगे एवं हम लोग का 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा हम लोग जीतेंगे, 7 विधानसभा हम लोग का सांसद का हमारा दायित्व है, सांसद हमको 7 विधानसभा हम लोग के पास में पाएंगे और पूरा बंगाल से 21 में हम लोग जय होंगे और पूरा पब्लिक को जनता को सेवा देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और हमारा जो श्रेष्ठ नेता है जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हम उनको फॉलो करते हैं कि पूरा हुआ देश के लिए जो अच्छा करेंगे, देश का हित में बात करेंगे, मैं उनके साथ में हूँ। बैरकपुर विधानसभा सीट पे अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी दे यहाँ किसे चुनाव लड़ने की, क्या आप तैयार हैं इसके लिए? देखिए सर, इसके बारे में तो ऊपर का जो नेता है, ऊपर का जो राज्य स्तर का नेता है, हमारे सांसद है, जिला का जो हमारा उमा शंकर जी है, इस सब बारे में वो सब सोचेंगे। हम तो देखिए राजनीतिक का इलेक्शन लड़ाई लड़ने के नहीं, हम समाज का सेवा देने के लिए आए हैं, हमारे नेता का निर्देश होगा वही काम हम करेंगे।
हमारे ऊपर हमारे गार्जियन है, ऊपर का पदाधिकारी। हम तो हमने बात करने की कोशिश की भाजपा के युवा नेता तथा बैरकपुर के कई एक विशिष्ट समाज सेवियों में से एक संजय यादव से। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप के बीच भाजपा के अंतर कला से लेकर के आने वाले चुनाव में जीत के प्रति अपनी तैयारियों पे हर तरह के सवाल को उन्होंने जवाब देने की कोशिश किया और हमने भी आपके सामने पर रखने की कोशिश की। सुब्रत के साथ में राजीव गुप्ता, आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव। देखते रहिए, बने रहिए। फ्लैट बुकिं चलते आज ही जोाजोग कर गीता कन्स्ट्रक्शन बी 10/249 नियर सेंट्रल पार्क कल्याणी। बुकिंग चलते कल्याणी B2/221 B2/312 काछापाड़ा खटक रोड सतीश नंदी रोड लोक सिनेमा चांदमारी रोड लिचुबागान सिराज मंडल रोड टिकटिकी बाजार मिलन नगर अगुरीपाड़ा रजनीबाबू रोड नीपेन सरकार रोड आरपी स्कूल नईहाटी 6 नम्बर गेट विजयनगर भाटपाड़ा रूपश्री हल हालीशहर राजमहल हाउसिंग एस्टेट। आज ही फोन कर विस्तारित जानून गीता कन्स्ट्रक्शन 6289063557 9831478795।